नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। मिडिल क्लास बहुत दिनों से आस लगाए बैठा था, स्लैब में बदलाव होगा, इनकम टैक्स में राहत मिलेगी। चूंकि इस सरकार का पूर्णकालिक लास्ट बजट है, इसलिए निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को निराश नहीं किया है और स्लैब में बदलाव कर दिया है। अब 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन नहीं होगा, इसमें बचत करनी होगी। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख पर 5% लगेगा, 6 लाख से 9 लाख पे 10% लगेगा और 9 लाख से लेके 12 लाख पे 15% लगेगा, 12 लाख से 15 लाख की आमदनी पे 20% और उससे 15 लाख से जो ऊपर होगा उस पे 30% का इनकम टैक्स लगेगा। जबकि अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% था, यानी इसमें 87A के तहत छूट शामिल है। 5 से 7.5 लाख पे 10% टैक्स लगता था, 7.5 से 10 लाख पे 15%, 10 से 12.5 लाख पे 20% और 12.5 से 15 लाख पे 25%, 15 लाख से ज़्यादा इनकम पे 30% टैक्स देना होता था। तो इस तरीके से मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है और जो महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से यदि आप बचत कर लेते हैं तो 7 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो 87A है उस छूट का आप लाभ उठाएं। वैसे 3 लाख तक की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है, प्लेन यदि हम बात करें तो। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।